लास्ट टाइम ये चैप्टर स्टार्ट किया था एरर्स एंड एनालिसिस। इस चैप्टर में हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं विद एरर्स हैं, और हम क्या चाहते हैं, इन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इनके एरर्स भी ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन में एक्चुअल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा पर एरर ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अलग रूल चलता है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये किया था एडिशन के अंदर अगर एक्चुअल नंबर ऐड हो रहे हैं उनके एरर्स भी ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन में एक्चुअल नंबर अगर माइनस हो रहे हैं तो उनके ए माइनस बी तो उनका एरर भी आपस में क्या होगा, ऐड ही होगा। डिवीजन में किया था और कहा था इसका प्रूफ मत करना, हालांकि मैंने करवा दिया था, इसकी जरूरत नहीं है करने की। डिवीजन में किया था कि अगर एक्चुअल नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनका एरर कैसे ऐड होगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यही फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन का था। तो ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, आज हम रूल करेंगे एक्सपोनेंट और फिर इन रूल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है इसको समझते हैं। देखो एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। तो इमेजिन करो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है z, अगर आप मेरे को करेक्ट वैल्यू बताते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एरर का रूल क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, आप कोई बताएगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, राइट, क्लियर है यहाँ तक। चलो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं इसको c और d से डिवाइड कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फॉर्मूले में कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो ये रिजल्ट आगे मॉडिफाई हो गया, क्या, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, मल्टीप्लाई डिवाइड में कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलेगा। तो यहां तक क्लियर है, ये फॉर्मूला आएगा। कभी कभी क्या होगा, आपको ना पावर गिवन होगी इसमें, जैसे इसकी पावर है पी क्यू आर एंड एस। तो ए की पावर का मतलब समझते हो, ए उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ए की पावर 2 है तो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में अगर पावर है तो एरर भी उतने टाइम्स ऐड होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, यानी कि अगर इसकी पावर p है तो इस रिजल्ट को p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी q है तो इसको q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसको s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इस फॉर्मूले को फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, फॉर्मूला रजिस्टर बनाना है सबने, फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर सारे फॉर्मूलाज ही नोट होने चाहिए सिर्फ, और कुछ थ्योरी नहीं होनी चाहिए, और बढ़िया होना चाहिए वो लाल और नीले पेन से, ताकि खुद मन करे उसको पढ़ने का, गंदा सा मत बनाना, ताकि खुद ही मन ना करे ना पढ़ने का, तो अच्छा बनाना ताकि 2 साल तक मेंटेन करना है, क्योंकि काम आपको यही रजिस्टर आएगा। तो मैंने कहा था व्हाट्सएप पे रजिस्टर लेके आना, तो उसमें लिखना स्टार्ट करें। तो ये एक्सपोनेंट का रूल है जिसके अंदर ये मेंशन करना है, ये फॉर्मूला लिख लें। तो ये रिजल्ट क्लियर है। इस रिजल्ट के अंदर इसको अगर अप्लाई करना हो न्यूमेरिकल्स में तो कैसे करना है इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं इसका एग्जांपल करवाता हूँ और कैसे अप्लाई करना है। सबसे काम का फॉर्मूला यही है, आना इसी ने, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, पेपर में नॉर्मली इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो आपके पास जेड का फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी हाफ
सी रेज टू पावर 1/3, तो क्या लगेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाय सी। क्या ये रूल सबको लगाना आ गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको लिखने की जरूरत है, इट्स ओके, मैं शीट पर लिख के दिया हुआ है मैंने आपको, या तक लगाना आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लगाना कैसे है, इसको समझते हैं। तो आप शीट ओपन कर सकते हैं आपकी। तो एक्सपोनेंट का रूल क्या था, मान लो ये फॉर्मूला, तो डेल्टा जेड बाय जेड, पी इंटू डेल्टा ए बाय ए, क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी, आर इंटू डेल्टा सी बाय सी, एस इंटू डेल्टा डी बाय डी, ये फॉर्मूला आ गया। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मेरे को सिर्फ ये बताओ कि अगर मेरी ऑब्जर्वेशन है ए, ए कोई ऑब्जर्वेशन है, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन ए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय डेल्टा ए। ए का एब्सोल्यूट एरर कौन है, डेल्टा ए। बी का एब्सोल्यूट एरर कौन है, डेल्टा बी। सी का एब्सोल्यूट एरर कौन है, डेल्टा सी। अच्छा, ए का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, तो ए का रिलेटिव एरर क्या हुआ, डेल्टा ए बाय ए। बी का रिलेटिव एरर क्या हुआ, डेल्टा बी बाय बी। सी का डेल्टा बी से डेल्टा सी बाय सी। अच्छा, परसेंटेज एरर, ए का परसेंटेज एरर क्या हुआ, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। बी का परसेंटेज एरर क्या हुआ, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। और सी का परसेंटेज एरर डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। क्या पॉइंट क्लियर है? तो देखो, क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज 2%। कौन सा एरर है, परसेंटेज। तो कैसे लिखा जाएगा, परसेंटेज डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज 2%। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी इज 3%, तो कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 इज 3%। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी इज 4%, यानी कि डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 इज 4%। ठीक है, आपको जेड का फॉर्मूला वो देगा और क्या कहेगा, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जेड। तो क्या निकालना है, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 निकालना है। कोई डाउट इसमें, तो रिप्रेजेंटेशन आ गई सब, कैसे लिखना है इसमें, क्लियर है यहां तक? तो आप ये फॉर्मूला लिखें, एक्सपोनेंट का रूल लगाएं। क्या एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा जेड बाय जेड, 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए, 4 इंटू डेल्टा बी बाय बी, 5 इंटू डेल्टा सी बाय सी। कोई डाउट इसमें, रूल लग गया, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, कोई फर्क तो पड़ता नहीं 100 से मल्टीप्लाई करने से। अब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है, कितनी, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 की वैल्यू ऊपर कितने गिवन है, 2%। डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी भी गिवन है, तो इसकी जगह 2%, इसकी जगह 3%, इसकी जगह 4%। सॉल्व करें, 36% इज द आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं, कोई डाउट इसमें, एकदम क्लियर है? ठीक, जैसे ये एक एग्जांपल था, जैसे सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल है कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ ए इज 4%, तो क्या गिवन है, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 गिवन है 4%। ये आपकी शीट के अंदर है क्वेश्चन, 3-4 शीट छोड़ के। बी के अंदर परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 2%। सी का परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 3%। जेड का परसेंटेज एरर आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या गिवन है, ये फॉर्मूला है। तो क्या लगेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज हाफ इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस 2/3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 2/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी। 100 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 4% है, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 5% है, और डेल्टा सी का परसेंटेज कितना है, 3% है। सॉल्व करके आपको 6% आंसर आएगा। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर इसका आंसर निकाल लें। शीट की प्रॉब्लम है, शीट के अंदर गिवन है ये, किसी के पास शीट ना हो ये वाली, एक दो लास्ट टाइम नहीं, दो और लास्ट टाइम आई नहीं।
क्या क्वेश्चन है कि इसमें परसेंटेज एरर इन जेड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम इसमें वो फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला? डेल्टा जेड बाई जेड इज 1/3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 2/3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। फिर 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 2/3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। क्या ये सबने किया? ठीक है, अब परसेंटेज एरर पुट कर लेते हैं। इसकी जगह क्या पुट करेंगे, कितने परसेंट? 3%। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1/3 इंटू कितने परसेंट? 3% प्लस इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी कितने है? 2% प्लस इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1% प्लस 2/3 इंटू डेल्टा डी बाई डी की जगह क्या पुट करेंगे, 4%। तो प्लीज सॉल्व करें, कितने परसेंट आंसर आ रहा है, कितना? 12.6%। ऐसे ठीक है, 6-7 ओके। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक, सबको क्लियर है? ठीक है, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये कर दिए समझ पूरा क्लियर है। और यही आने हैं, मेंस नीट में आने ही हैं जो मैं बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आने हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये लो, तो आपका पहला क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर इन मास एम इज 1%, परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 2%, परसेंटेज एरर इन टाइम इज 3%, फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड। ये क्वेश्चन है, वेयर जेड इज एम एल माइनस टू टी माइनस टू। डायमेंशन फॉर्मूला दे दिया, कह रहे कि जेड का परसेंटेज एरर निकाल दो। क्वेश्चन बोलो आंसर, 12% ओके। और सेकंड आंसर कोई और? 9% और 9 और 9 ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कितने लोगों ने इसको ऐसे किया, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम प्लस पावर माइनस 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल माइनस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। कितने लोगों ने ऐसे किया? तो ठीक नहीं किया, एरर में अगर साइन माइनस आ जाए कैलकुलेशन में तो पक्का गलत, आगे करना मत। हो ही सकता ना माइनस तो ना होगा एरर, तो गलत है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना, आपने ऐसे करना है।
इसको ऐसे नहीं करें, इसको ऐसे करें, z इज इक्वल टू m, डिनोमिनेटर में l टू t 2, ये करें, पावर्स पॉजिटिव करें, ठीक है। अब लगाएं रूल जो लगाना है, तो क्या रूल है, डेल्टा z बाय z, डेल्टा m बाय m, 2 इंटू डेल्टा l बाय l, 2 इंटू डेल्टा t बाय t, 100 से इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 100 और राइट साइड भी 100, तो डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा l बाय l इंटू 100, 2 डेल्टा t बाय t इंटू 100। तो इसका परसेंटेज एरर क्वेश्चन में गिवन है 1%, 2 इंटू इसका परसेंटेज एरर क्वेश्चन में गिवन है कितना 2%, प्लस 2 इंटू इसका परसेंटेज एरर कितना गिवन है 3%, तो कितना परसेंट आ गया, 11% इज द आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? जब ये पेपर में आएगा, देखो सब्जेक्टिव तो आना मुश्किल है, आएगा ऑब्जेक्टिव, तो प्लीज इतना पेज मत भरना, ये तो पहली बार करा रहा हूं तो भरना, करने की जरूरत क्या है। एम का एरर 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ टी, खत्म। तो मतलब 1 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 3%, डन, ऑब्जेक्टिव डन, इतना ही करना है। ये तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, आपको थोड़ा करना है, सब्जेक्टिव आया तो कर देना, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधा मार्क करना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या कैलकुलेशंस है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक और क्वेश्चन नोट करो, इसका आंसर मुझे बताना क्या आंसर हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर, इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 1%, इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 2%, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, और फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इस फॉर्मूले को यूज करके जी का परसेंटेज एरर निकालना है। जी का परसेंटेज एरर लिखते कैसे हैं, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये आपको निकालना है। करें स्टार्ट, आप कह रहे हो 3%, 5%, 2% फ्रैक्शन में भी आ रहा है, और कोई 1.5, ठीक है, करें चेक। देखो ऐसा करेंगे, आपको एरर किस में निकालना है, जी में। कितने लोगों ने ऐसा किया, डेल्टा टी बाय टी, 2 में एरर क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा 2 बाय 2 करूं, कर लो, डेल्टा मतलब चेंज, 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में चेंज होता नहीं तो कोई एरर नहीं है,
तो कॉन्स्टेंट्स में कोई एरर होते ही नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, पाई कॉन्स्टेंट है, कोई एरर नहीं है। एल की पावर क्या है? हाफ। तो डेल्टा एल बाय एल, जी की पावर क्या है? हाफ। तो कितने लोगों ने पहला स्टेप ये लिख लिया? लिख लिया। फिर कितने लोगों ने अगला स्टेप ये लिखा? डेल्टा जी बाय जी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी माइनस हाफ डेल्टा एल बाय एल। कितने लोगों ने लिख लिया ये? क्योंकि आपको डेल्टा जी बाय जी निकालना है ना, तो कितने लोगों ने लिख लिया? और कितने लोगों ये लगा के मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि साइन क्या आ गया? माइनस 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 वायरल होते ही नहीं, तो आगे चलने का मतलब ही नहीं है, पक्का गलत आंसर आएगा, छोड़ दे। ठीक, तो आपको एक तरीका बताता हूँ, बेस्ट तरीका है, कभी फेल नहीं होगा, और वो तरीका ये है, जिसमें एरर निकालना है उसको लेफ्ट साइड रख लें पहले। करें स्क्वेयरिंग, टी स्क्वेयर फोर पाई स्क्वेयर एल बाई जी, जी इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर। कोई डाउट इसमें? अब देखो मतलब ही नहीं, नेगेटिव आ जाए। देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये रूल लगेगा, देखो ये रूल लगेगा क्या, डेल्टा जी बाई जी फोर पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा एल बाई एल प्लस टू इंटू डेल्टा टी बाई टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अपने आप डेल्टा जी बाई जी आ गया, और वो भी पॉजिटिव में आ गया। समझ में आ रहा है ये स्टेप? 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 टू इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब इसका परसेंटेज एरर कितना है क्वेश्चन में? 1%। और टाइम का परसेंटेज एरर कितना गिवन है? 2%। तो कितने लोगों का आंसर 5% आया था? वो ठीक आया था 5%। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब शीट पे चलते हैं वापस। हमने अभी ये क्वेश्चन किया, वापस शुरू की शीट पे चलते हैं जहाँ पे थे हम इसमें। हाँ, तो हमने यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन कर लिया था अभी, ठीक है, स्टार्टिंग शीट में ये क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन में गिवन है? देखो रेजिस्टेंस आर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वी बाई आई, वोल्टेज बाई करंट होता है, राइट। V की वैल्यू विद एरर गिवन है, तो याद रखना इसको ऐसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख लो। ये V लिखो अपने मन में, और ये डेल्टा V लिखो, V प्लस माइनस डेल्टा V। ये I लिखो करंट, और ये क्या लिखो? डेल्टा I लिखो। क्या स्टेप क्लियर है? V विद एरर, I विद एरर, तो V प्लस माइनस डेल्टा V, I प्लस माइनस डेल्टा I। तो यहां पर V कितना है? 100, डेल्टा V कितना है? 5, I कितना है? 10, डेल्टा I कितना है? 0.2। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? चार वैल्यूज दे दी। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर इन आर को कैसे लिखते हैं? डेल्टा आर बाय आर इनटू 100। आर का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाय आई। तो इसमें काम करें, डिवीजन का रूल लगेगा कि एक्सपोनेंट का लगेगा? दो ये टर्म डिवाइड का रूल लगाए, या एक्सपोनेंट भी लग सकता है, जो मर्जी लगा दो, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट मान लो 1 है, लगाओ एक्सपोनेंट। डेल्टा आर बाई आर, 1 इंटू डेल्टा वी बाई वी प्लस 1 इंटू डेल्टा आई बाई आई। तो एक्सपोनेंट रूल तो कहीं भी लगता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन तो बीच में अपने आप ही आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर भूल भी जाए तो एक्सपोनेंट का रूल लगा दें। तो अदरवाइज यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चलो डिवीजन लगाएं, एक्सपोनेंट लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। 100 से क्या कर लिया इन्हें? मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करके आपको इसमें वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज एरर इन आर ये निकालना है। डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है 5, वी की वैल्यू कितने गिवन है? 100। डेल्टा आई की वैल्यू कितने गिवन है? 0.2। आई की वैल्यू कितने गिवन है? 10। तो जब ये वैल्यूज यहां पर पुट की जाएंगी तो परसेंटेज एरर क्या आएगा? 7%।
मतलब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज पुट करनी है चार, नॉर्मल क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन होता है, परसेंटेज जो है एरर इन वी, परसेंटेज इन आई, ये इसमें गिवन नहीं है। निकालना तो परसेंटेज एरर इन आर है, पर ये सीधी परसेंटेज 1 या 2% नहीं गिवन, आपको डेल्टा भी अलग गिवन है, वी अलग गिवन है, डेल्टा अलग गिवन है, आई अलग गिवन है, तो आंसर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करेक्शन करो, एरर्स इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ, यहां करो वॉल्यूम, यहां करो वॉल्यूम एंड मास ऑफ क्यूब आर गिवन, और यहां पर 3 हटा दो प्लीज, ये 3 हटाओ, बस ये क्वेश्चन है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब करो, अब स्टार्ट करो। कौन सा एरर निकालना है, और यहां पे एक और काम करो, मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज भी लिखो। देखो मेंशन करना चाहिए उसे कि परसेंटेज एरर निकालना है, नहीं तो आप एब्सोल्यूट एरर में कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेल्टा रो निकालना है कि परसेंटेज निकालना है, तो मेंशन करना चाहिए क्या निकालना है, तो मेंशन करना है परसेंटेज एरर निकालना है, ये भी करेक्शन है। अब शुरू करते हैं, तो रो का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम और मास का परसेंटेज आपको पता है, यानी कि डेल्टा वी बाय वी इनटू 100 का फॉर्मूला क्या है, 3% है, और डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 की वैल्यू कितने की बने, 4%। क्या निकालना है आपको, आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप एक्सपोनेंट या डिवीजन का रूल लगा दें, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, ये लो सॉरी वी आएगा, यहां पे वी आएगा, डेल्टा वी बाय वी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा रो बाय रो इनटू 100, डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी इनटू 100, तो मास का परसेंटेज एरर क्वेश्चन में कितना गिवन है, 4% है, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 3% है, तो कुल मिला के डेंसिटी का परसेंटेज एरर कितना आ गया, 7% है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो कैसे सोचना क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में पेन को भी हाथ नहीं लगाना, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, पता ही है क्या करना है, पता ही है डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी इनटू 100, तो इसका परसेंटेज एरर सीधा कितना गिवन है, 3, और इसका गिवन है 4, 3 + 4 = 7, ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? नहीं, वो मैंने क्रॉस किया है, इसे हटा दो, मैंने का करेक्शन है, ठीक है यहां तक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, क्या क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है, वो इधर गया और वापस आया, उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, जिसका फॉर्मूला इसके इक्वल है, फिर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, फॉर्मूला दे रहा है वो आपको, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, वो आपको एल की वैल्यू भी दे रहा है, कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है, 20, एंड नोन टू हैव एक्यूरेसी ऑफ 1 mm। जब ये वर्ड आ जाए ना, एक्यूरेसी ऑफ या रेजोल्यूशन ऑफ, इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर होता है, तो इससे अगर लिख दिया कि इसके अंदर एल की वैल्यू कितनी है,
20 एंड क्वेश्चन में क्या लिख दिया नोन, क्वेश्चन है एल की वैल्यू यहां पर 20 नोन टू हैव एक्यूरेसी ऑफ, एक्यूरेसी ऑफ 1 mm का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या गिवन है डेल्टा एल, तो याद रखना एल गिवन है एक्यूरेसी ऑफ का मतलब डेल्टा एल। उसी तरीके से टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 चक्रों का टाइम, पेंडुलम का ये जो कैपिटल टी है वो एक चक्कर का टाइम है पर वो आपको 100 ऑसिलेशन 100 वाइब्रेशन का टाइम दे रहा है, 100 चक्रों का टाइम दे रहा है कितना 90 सेकेंड, तो ये क्या गिवन है टाइम गिवन है। यूजिंग अ रिस्ट वॉच उसने निकाला हैविंग 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा टी, तो मतलब ये लैंग्वेज समझ लो एक्यूरेसी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर से, तो आपको क्या दे रहा है इनडायरेक्टली एल दे रहा है साथ में डेल्टा एल दे रहा है, टी दे रहा है साथ में डेल्टा टी दे रहा है, चार चीजें दे रहा है इसमें, कोई डाउट इसमें। आगे व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, तो एक्यूरेसी बतानी है जी की फाइंडिंग में एक्यूरेसी क्या होगी, तो क्या निकालना है डेल्टा जी, फाइंड एक्यूरेसी का मतलब डेल्टा जी, तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इससे पहले एक और क्वेश्चन बताओ, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, चलो ये भी क्वेश्चन है फाइंड, मैंने आपको दे दिया फाइंड परसेंटेज एरर इन जी भी निकालना है सपोज, ठीक है ये क्वेश्चन भी है। तो अब इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1, आपको टाइम पीरियड पता है, आपको जी में एरर निकालना है, मैंने क्या रूल सिखाया जिसमें निकालना है उसको लेफ्ट पे रख लें, इसे स्क्वेयरिंग कर दें, जी को लेफ्ट पे टी स्क्वेयर को राइट पे कर दें, कर दिया, क्या गिवन है एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, हैविंग एन एक्यूरेसी ऑफ 1 mm गिवन है, क्योंकि सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.1 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में, ठीक। टाइम पीरियड आपको कितना गिवन है 100 ऑसिलेशन का 90, कैपिटल टी 90, और साथ में एक्यूरेसी या रेजोल्यूशन कितनी है उसकी 1 सेकेंड, तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है। आप एक काम करें इसके अंदर डेल्टा जी बाई जी कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं है, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 into डेल्टा टी बाई टी कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्वेश्चन में डेल्टा एल पता है, एल पता है, डेल्टा टी पता है, टी पता है, सॉल्व करके क्या आ गया परसेंटेज एरर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि ये कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, एल पता है डेल्टा एल पता है, टी पता है डेल्टा टी पता है, अब चारों वैल्यूज को यहां पर पुट कर लेना, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया भी था, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें। लेकिन उसने ये भी पूछा फाइंड एक्यूरेसी इन जी, मतलब एरर इन जी, तो अगर क्वेश्चन में ये पता लग चुका है डेल्टा जी बाय जी इनटू 100 की वैल्यू 2.72 है, आपको डेल्टा जी निकालना है, तो कोई बताएगा जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो डेल्टा जी का आंसर आएगा 2.72 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 100 आंसर। ये एक और स्टेप नोट होगा इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि अगर आपको डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 आ गया, वहां से जी की 9.8 पुट के यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ऑल्सो, लिखना लिख लो असाइनमेंट में। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है यहाँ तक। एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में घर जाके आ सकता है जब आप पढ़ रहे होंगे ध्यान से, वो ये, मैंने आपको ये बताया था कि कैपिटल टी एक चक्कर का टाइम है, इसमें कैपिटल टी इस फॉर्मूले में टू एंड फ्रो जाने का टाइम है, और हमें क्या गिवन है 100 चक्करों का टाइम 90 सेकेंड है, तो मैंने भी कैपिटल टी की वैल्यू को उठा के क्या पुट कर दिया 90, जबकि मेरे को क्या पुट करना चाहिए था, पहले मेरे को एक चक्कर का टाइम निकालना चाहिए था, मेरे को क्या करना चाहिए था 100 ऑसिलेशन का टाइम 90 है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है 90/100 है, करना चाहिए था क्योंकि कैपिटल टी एक चक्कर का टाइम है, मैंने नहीं किया क्योंकि अगर मैं 100 चक्करों का टाइम 90 सेकेंड लेता हूं तो एक चक्कर का टाइम क्या होगा 90/100, तो मुझे एरर का भी
जो एरर गिवन है वो 100 ऑसिलेशन का गिवन है, 100 चक्करों का मुझे एरर भी गिवन है, तो मुझे एक एरर, एक टाइम पीरियड में एरर निकालने के लिए इसको भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पर ऑसिलेशन निकलेगा तो ये भी पर ऑसिलेशन निकलेगा, तो फर्क क्या पड़ा, इधर भी पुट कर दिया बाई 100, इधर भी बाई 100, तो 100 100 कैंसिल, तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो 100 ऑसिलेशन हो चाहे 1000 ऑसिलेशन हो, आपने टोटल टाइम ही पुट करना है, आपने डेल्टा टी टोटल ही पुट करना है, आपको 100 से डिवाइड नहीं करना। समझ में आ रहा है ये स्टेप? क्योंकि अगर करना पड़ा तो टी और डेल्टा टी दोनों को करना पड़ेगा, उसका कोई फायदा तो है नहीं, तो मत ही करो। समझ में आ रहा है ये रूल? अभी नहीं आएगा ना, जब घर जाके करेंगे और नया क्वेश्चन आएगा, इंस्टेड ऑफ 100 ऑसिलेशन वो 500 ऑसिलेशन कर लेगा, आपके माइंड में आएगा यार 100 में और 500 में फर्क ही नहीं पड़ा कुछ भी। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों 500 500 का है, ये भी और ये भी, फर्क नहीं पड़ सकता इसमें। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज है सिग्मा, जिसका फॉर्मूला हमें दे दिया। आपको क्या गिवन है? इसके अंदर एक टर्म यूज हो रही है स्मॉल आर रेडियस, तो ये बेसिकली ये जो गिवन है वो क्या गिवन है? स्मॉल आर प्लस माइनस डेल्टा आर, स्मॉल आर प्लस माइनस डेल्टा आर। ये क्या गिवन है? कैपिटल आर प्लस माइनस डेल्टा आर। और ये क्या गिवन है? एल प्लस माइनस डेल्टा। 6 वैल्यूज दे रहा है वो आपको, स्मॉल आर डेल्टा आर, कैपिटल आर डेल्टा आर, एल डेल्टा एल। क्या स्टेप क्लियर है? 6 की 6 वैल्यूज आ गई। क्या निकालना है? मुझे निकालना है परसेंटेज एरर इन सिग्मा। तो एक काम क्यों नहीं करते, परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले इसके फॉर्मूले को ठीक तरह करके लिखो, डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा। कॉन्स्टेंट में कोई एरर आएगा नहीं, 2 into डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। क्या स्टेप क्लियर है आता? ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 into डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। क्या स्टेप क्लियर है आंसर? तो इसके अंदर ये देखो क्या हुआ, अच्छा क्या नहीं हुआ सॉरी, तो इसके अंदर आप ये फॉर्मूला लिख लें कि डेल्टा सिग्मा बाई सिग्मा इंटू 100, 2 into डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल आर बाई कैपिटल आर इंटू 100 एंड डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अब आपको स्मॉल डेल्टा आर और आर पता है, बड़ा कैपिटल आर आर पता है और डेल्टा एल एल पता है। 6 वैल्यूज को पुट करके जो 6 वैल्यूज गिवन है सॉल्व करके परसेंटेज एरर आएगा। समझ में आ रहा है करना क्या है? तो ये 6 वैल्यूज पता है ना कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से मिलेंगी, तो ये आपको डेल्टा आर आर डेल्टा आर आर डेल्टा एल एल पुट कर लेंगे। इसका आंसर एग्जैक्ट 18% नहीं आ रहा है, 18 point something आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इसमें एरर है, तो जो भी आंसर आएगा आप इसमें मार्क कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है? थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम रहती है इसमें एंड में, पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते नहीं है, परसेंटेज भी ज़्यादा आते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या रहेगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चेक करें। एक चीज याद रखें, अगर वो ये बोलता है कैलकुलेशन एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो कौन सा एरर निकालोगे, परसेंटेज या कौन सा? जब तक वो बोले ना परसेंटेज, नहीं निकालना परसेंटेज, मतलब उसने बोला फाइंड कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी तो मतलब डेल्टा वी, लेकिन अगर वो बोलेगा फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, फिर निकलेगा परसेंटेज डेल्टा वी बाय वी इनटू 100। अगर वो नहीं बोलता परसेंटेज तो फिर अकेला क्या निकलेगा, डेल्टा वी, यानी कि एब्सोल्यूट एरर निकलेगा फिर। तो समझ में आ रहा है, अगर परसेंटेज नहीं मेंशन तो डेल्टा वी, मेंशनड है तो परसेंटेज, इसमें परसेंटेज मेंशनड है। ट्राई करो, फॉर्मूला क्या है इसमें वेलोसिटी का, एस अपॉन टी डिस्टेंस बाय टाइम।
अंदर सबसे पहले आपने ये लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एस प्लस माइनस डेल्टा एस, क्लियर है? फिर क्या गिवन है इसमें, टाइम में टी प्लस माइनस डेल्टा टी, क्या इस पॉइंट क्लियर है यहां तक आपको? परसेंटेज एरर, वेलोसिटी भी निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एस बाई टी, लगाओ फॉर्मूला, डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा एस बाय एस, डेल्टा टी बाय टी, क्लियर है यहां तक? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक भी? अब आपने क्या करना है, आपको डेल्टा एस और एस ये पता है, आपको डेल्टा टी और टी की वैल्यू ये पता है, पुट करें और चेक कर ले, 3.5% आंसर आ रहा है, आएगा ठीक? ठीक है यहां तक? हाँ जी, ठीक है यहां तक? ओके ठीक है, नेक्स्ट है ये लो, पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई है, क्या जाओ पहले एक बार क्या लो, ये है वोल्टेज ऑफ द लैंप इज गिवन, तो एक बात बताओ मुझे, वोल्टेज की वैल्यू को ऐसे लिख लें, ये कितना कितनी वैल्यू है, 6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं वी प्लस माइनस डेल्टा वी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है करंट की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, तो यहां पर क्या आएगा, आई प्लस माइनस डेल्टा आई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यहां पर क्या निकालना है, पावर कंज्यूम्ड विद एरर, क्या उसने बोला परसेंटेज? नहीं बोला, तो क्या मैं निकाल लूंगा डेल्टा पी बाय पी इंटू 100? नहीं निकाल लूंगा, तो अगर क्या नहीं बोला तो फिर पी प्लस माइनस डेल्टा पी निकलेगा, अगर परसेंटेज नहीं बोला तो पी प्लस माइनस डेल्टा पी निकलेगा, तो मतलब पावर विद एरर निकलेगा, समझ में आ रहा है यहां तक क्या निकलेगा? अब मेरे को इस क्वेश्चन को ना दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार करेक्ट वैल्यू के लिए और एक बार इसके एरर के लिए, दो चीजें हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं इसकी करेक्ट वैल्यू और फिर मैं सॉल्व करता हूं इसका एरर, दो पोर्शन बना लेते हैं। तो अगर मुझे करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है तो पावर का फॉर्मूला होता क्या है करेक्ट में, ये बताओ, वी इन टू आई जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या है, V into I, को डाउट इसमें? तो करेक्ट वैल्यू के लिए V की करेक्ट वैल्यू कितनी है, 6, और I कितना है, 4, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 24, कोई डाउट इसमें? तो P का आधा आंसर तो आ गया मेरे, कितना, 24। अब मुझे क्या ढूंढना है, डेल्टा P, कोई डाउट इसमें? तो ढूंढे डेल्टा P, अब डेल्टा P का मतलब एरर ढूंढना है, तो अब सेकंड कॉलम शुरू करें, फिर से एक बार फॉर्मूला लिखे इसमें पावर का, V into I, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल हमने सीखा,
रादर एक्सपोनेंट का रूल लगा दो, कैसे, डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा आई बाई आई, लग गया रूल, ये रूल लगेगा एक्सपोनेंट का या मल्टीप्लीकेशन का, एक ही बात है। आपको इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, डेल्टा पी, पी आप ढूंढ चुके हैं 24, डेल्टा वी आपको गिवन है 0.1, वी आपको गिवन है 6, डेल्टा आई आपको गिवन है 0.2, आई आपको पता है 4। जरा डेल्टा पी सॉल्व कर लें, डेल्टा पी सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1.6, तो मैं पुट कर दूंगा यहां पर 1.6 आंसर, इतने वॉट्स आंसर होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, अगर परसेंटेज एरर नहीं पूछा जा रहा तो इस फॉर्म में आंसर आएगा, अगर इस फॉर्म में आएगा तो इसके दो पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट आएगा करेक्ट वाला पार्ट, तो करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू सबसे आसान यही है, और एक चलेगा एरर, तो इसमें फॉर्मूले में फिर से क्या लगेगा, एरर का फॉर्मूला, डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा आई बाई आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, कैलकुलेटर से क्या हुआ है, तक नेक्स्ट कर दो। उसने कहा सरफेस एरिया विद एरर परसेंटेज नहीं निकालना, तो एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस आपको पता है कितना, 2.1 प्लस माइनस 0.5, ये रहा, तो ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा आर है। कैलकुलेट सरफेस एरिया विद एरर, सरफेस एरिया की वैल्यू एस विद एरर क्या निकालना है, डेल्टा एस प्लस माइनस, ओ एस प्लस माइनस डेल्टा एस। अब दो बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक बार करेक्ट वैल्यू ऑफ एस के लिए लिख लेता हूं, करेक्ट वैल्यू ऑफ एस के लिए, और एक बार एस के एरर के लिए। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, एस की करेक्ट वैल्यू बोलो क्या होगी, स्फीयर है 4πr², तो इसमें मैंने क्या कहा था कि कॉन्स्टेंट्स छोड़ देते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, एस इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। मैथ्स वालों को मैं बता रहा कि आजकल नया ट्रेंड चला है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सर बोलते हैं फिजिक्स वाले, 4π छोड़ दो, आर स्क्वायर है, लगाना है कॉन्स्टेंट आपको, लगाना है, अभी आधा घंटा पहले बोले छोड़ना है भाई, एरर में छोड़ना है, ये एरर फिजिक्स में छोड़ना है, मैथ में नहीं छोड़ना, करेक्ट वैल्यू ऑफ स्फीयर तो ठीक तरह निकाल लो, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ स्फीयर में 4 और पाई लेना है, और एग्जैक्ट वैल्यू है 2.1 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करके 55.4 आएगा, ये तो लेना है एस की करेक्ट वैल्यू में, तो लेना है सब कुछ, लेना है पाई भी लेना है, लेकिन जैसे ही आप एरर का रूल लगाते हो, डेल्टा एस बाई एस, 4π में डेल्टा नहीं लगता, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, एरर में नहीं लेना, वैसे लेना है, तो क्या आएगा, 2 into डेल्टा r by r, तो डेल्टा s
एस हम निकाल चुके हैं 55.4, 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू हमें पता है कितनी 0.5 और आर की वैल्यू कितनी है 2.1। सॉल्व करके क्या आएगा, डेल्टा एस आ जाएगा जो कि 26.4 आएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेना 55.4, यहां पे वैल्यू पुट कर लेना 26.4 आंसर। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ठीक है, गलत कॉपी की है, डेल्टा एस पे एस नहीं है, डेल्टा एस की वैल्यू 26.4। ठीक, तो हमने अभी तक ये बाकी ना रिवीजन शीट है, इसमें यही बताया जा रहा है परसेंटेज एरर हमने कर लिया। इसमें रिवीजन ये करवाई है कि अगर एडिशन करना है फाइनली, अब वापस जो आज तक हमने किया, अगर दो नंबर ऐड करने हैं तो नंबर तो ऐड होंगे होंगे, उनका एरर भी ऐड होगा। अगर नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो नंबर तो सब्ट्रैक्ट होंगे होंगे, उनका एरर ऐड होगा। अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन करना है तो नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन डेल्टा जेड निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में, सीधा रास्ता कोई नहीं है। अगर दो नंबर डिवाइड होंगे तो नंबर तो डिवाइड होंगे होंगे, पर डेल्टा जेड के लिए फिर से एक बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो रिलेटिव एरर को ऐड करना पड़ेगा। एक्सपोनेंट हमने कर लिया, एक्सपोनेंट हमने कर लिया, ये सब हमने कर लिया। अब एक काम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने नेक्स्ट टाइम करना, अभी नहीं करना। अभी जो हमने काम करना है वो है आपकी असाइनमेंट। एक असाइनमेंट है सब्जेक्टिव शीट नंबर 7, जरा ओपन करें, 7th शीट का पहला क्वेश्चन देखें एक बार, क्या क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो ये पूरी शीट आज हम करेंगे, इसके बेस पे एक और इससे थोड़ी बेसिक लेवल की शीट है, वो आपको होमवर्क दूंगा। तो इसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स आर गिवन विद एरर, तो इसको L, इसको डेल्टा L मान लें, इसको B, इसको डेल्टा B मान लें। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स, क्या उसने वर्ड परसेंटेज यूज किया, नहीं किया, तो फिर क्या निकलेगा, A प्लस माइनस डेल्टा A। और जब इस फॉर्म में रिजल्ट निकलेगा तो फिर दो बार करना पड़ेगा, एक बार करेक्ट वैल्यू के लिए और एक बार एरर के लिए। तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी, L इंटू बी, एल पता है, B पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, A आ गया। और एरर के लिए सेम फॉर्मूला लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा एल एल, डेल्टा बी बी, ऊपर से पता है ए आपने यहां से निकाल लिया,
यहां पर वैल्यू को सॉल्व किया, डेल्टा ए की वैल्यू आई, ए यहां से पुट कर दिया, डेल्टा ए यहां से पुट कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? कोई डाउट तो फिर हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ट्राई करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने किया ताकि आपको आइडिया हो जाए, सेकेंड क्वेश्चन एक बार प्लीज ट्राई करें। देखो क्या करना है, बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ, तो क्या गिवन है, एस प्लस माइनस डेल्टा एस इन टाइम, टी प्लस माइनस डेल्टा टी। क्या निकालनी है, वेलोसिटी विद लिमिट्स और फिर परसेंटेज भी निकालना है। तो पहला वेलोसिटी विद लिमिट्स का मतलब वी प्लस माइनस डेल्टा वी। तो दो बार क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, एक बार करेक्ट वैल्यू एक बार एरर। तो करेक्ट वैल्यू वी के लिए एस पता है, टी पता है आंसर, और डेल्टा वी के लिए एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा टी बाई टी। वी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, ये चारों वैल्यूज ऊपर से पुट कर दें, सॉल्व करके डेल्टा वी आ गया और ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है यहां था? और क्योंकि इसमें एक और भी पार्ट है जो मैंने यहां सॉल्व नहीं किया, जो है परसेंटेज एरर, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 308 3.45 × 100, मेरे ख्याल से 8% के आसपास आंसर आएगा इसका, 8%। मेथड समझ में आ रहा है लेकिन कैसे, v और प्लस माइनस डेल्टा भी समझ में आ रहा है, करेक्ट वैल्यू भी अलग डेल्टा भी अलग, एक बार नॉर्मल फॉर्मूला एक बार एरर का फॉर्मूला, फिर दोनों को मिला देना है।
तक समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ये तो बहुत बढ़िया है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, पावर्स गिवन है, परसेंटेज ए बी सी डी में गिवन है, ए में परसेंटेज अगर गिवन है, बी में गिवन है, सी में गिवन है और डी में गिवन है, एक्स में निकालना है। ये तो पहला क्वेश्चन था आज हमारा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, टू इंटू डेल्टा ए बाई ए, थ्री इंटू डेल्टा बी बाई बी, वन इंटू डेल्टा सी बाई सी और हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी, 100 से मल्टीप्लाई। इसका परसेंटेज गिवन है 2%, इसका परसेंटेज 1%, इसका परसेंटेज 3% और उसका परसेंटेज 4%। सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है? 12%। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं तो कह रहा हूँ इसको पेन को भी हाथ को लगाना तो वैसे ही हो जाएगा, पावर वैसे ही गिवन है ना। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, हाफ इंटू 4, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैपिटल टी कर लेना, कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी। देखो क्या क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आज किया हमने स्मॉल जी का एरर निकालने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, एल पता है 90, डेल और टी पता है 36, 20 वाइब्रेशंस का, चलो 20 और 200 फर्क नहीं पड़ता आज हमने देखा, हमने टोटल टाइम ही पुट करना है, हमने डिवाइड बाय 20 या डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन करना नहीं होता, डिस्कस किया था। फिर कह रहे हैं फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, तो ये निकालना है। L being measured to an extent of accuracy of L का error क्या है 0.1 और time का error क्या है 0.2, तो delta L और delta T भी given है, delta L delta T। तो ये वही question होगा जो आज हमने किया था, मैंने sheet में भी करवाया था। तो G में अगर error निकालना है तो G वाली term squaring करके left side, तो ये squaring करेंगे ये ऐसा बनेगा, फिर G एक तरफ करेंगे, फिर delta G by G, इसमें error नहीं होगा, delta L by L, 2 into delta T by D, 100 से multiply, डेल्टा एल पता है, एल पता है, डेल्टा टी पता है, टी पता है, सॉल्व करके परसेंटेज एरर आ जाएगा। पॉइंट्स सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। देखो यंग्स मॉडुलस पता नहीं आपको क्या है, कोई बात नहीं, पर ये फॉर्मूला पता है कुछ गिवन है। परसेंटेज एरर इन वेट डब्ल्यू, पहली बात तो इसमें वेट कहां दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, तो एम जी को वेट मान लो, क्योंकि एम जी क्या होता है वेट, तो पहले फॉर्मूला मॉडिफाई करके डब्ल्यू में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला मॉडिफाई करके डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया, एम जी वेट होता है ना, कि वो वेट में बात कर रहा है तो हमने वेट कर लिया। तो इसमें क्या कह रहे हैं, परसेंटेज एरर इन वेट बड़ा एल छोटा आर और छोटा एल गिवन है, तो मैंने लिख लिया परसेंटेज एरर इन वेट छोटा आर छोटा एल और कैपिटल एल लिख लिया यहाँ पे गिवन है। फिर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वाई, तो वाई का परसेंटेज एरर, तो लगाओ एक्सपोनेंट रूल, डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा वेट बाई वेट, डेल्टा एल बाई एल, पाई में कोई एरर नहीं, टू इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एल बाई एल, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको वेट का परसेंटेज एरर गिवन है 0.5%, छोटा एल का गिवन है,
छोटा आर का गिवन है, बड़ा एल का गिवन है, सॉल्व करके आपके पास आंसर 11.5% आ जाता है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, इसका एक और भी पार्ट है। क्या पार्ट है? कि अगर आपको y की वैल्यू गिवन है 18.79 इंटू 10 की पावर 11, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y निकाल लें। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, एरर करो, एब्सोल्यूट एरर करो इसे, एब्सोल्यूट एरर ऑफ y निकालो। हाँ बोलो, क्या निकालने को कह रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर ऑफ y क्या? डेल्टा y। तो डेल्टा y निकाल लो। तो क्योंकि आखिरी में आपने ये तो निकाल ही लिया 11.5%, अगले स्टेप में वाई आपको गिवन है, डेल्टा वाई निकालना है। इस फॉर्मूले में वाई को पुट कर दो, वाई की वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 पता है, वाई की वैल्यू पुट कर दो इंटू 100 11.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको राइट पे, इसको राइट पे, सॉल्व करके डेल्टा वाई निकाल लो, आंसर आ जाएगा ये रहा डेल्टा वाई। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है? पहले आप एक्सपोनेंट का रूल लगा के परसेंटेज एरर निकाल लो, फिर इसमें वाई की वैल्यू पुट कर दो और डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लो। समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक थोड़ी कैलकुलेशन है बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी किया था ये क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है। कैपिटल आर विद डेल्टा आर पता है, एल डेल्टा एल पता है, स्मॉल आर डेल्टा आर पता है, सिग्मा का फॉर्मूला पता है, क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में ये फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा सिग्मा बाई सिग्मा, पाई में कोई एरर नहीं है, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एल बाई एल, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 4 5 6, सारी 6 की 6 वैल्यूज पता है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? इसमें रूल वही है, एक्सपोनेंट का रूल ही लगता जा रहा है हर बार, वैल्यूज पुट करो आंसर। समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें?
ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए गिवन है, क्या निकालना है? लेंथ विद इट्स एरर इन लेंथ, तो परसेंटेज तो नहीं बोला ना, तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अब जो चीज़ निकालनी है वो लेफ्ट पे रखेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर, पर निकालना क्या है? एल, तो एल लेफ्ट पे बाकी राइट पे, तो फॉर्मूला बन गया एल का। अब क्योंकि दो वैल्यूज निकालनी है, एक करेक्ट वैल्यू और एक एरर की वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू में ए की करेक्ट वैल्यू 100, तो क्या आएगा? 10। और एरर निकालने के लिए एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा एल बाय एल हाफ इंटू डेल्टा ए बाय ए, एक्सपोनेंट का रूल तो हर वक्त लगना ही लगना है, बेचारा अकेला ए है तो क्या करे, अगर बी होता तो साथ में उसको भी ले लेता, पर इसमें ए है तो ए पे लगा दो, तो हाफ इंटू डेल्टा ए पता है, ए पता है, एल पता है, यहां से 10 सॉल्व करके क्या आ गया? डेल्टा एल, डेल्टा एल आ गया, एल आ गया, आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक, क्लियर है यहाँ तक? मेथड समझ में आ रहा है? जो चीज़ निकाल, तो उलझ जाओगे अगर ये देखोगे तो समझ नहीं आएगा क्या करना है। जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट पे रख लो, बाकी सब राइट है, फिर अपने आप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन। तो रेडियस आर प्लस माइनस डेल्टा आर, हाइट में एच प्लस माइनस डेल्टा एच, क्या निकालना है? वॉल्यूम विद एरर, क्या उसने बोला परसेंटेज? नहीं बोला, तो क्या आएगा? वी प्लस माइनस डेल्टा वी। क्वेश्चन दो बार करना होगा, एक बार करेक्ट वैल्यू, एक बार एरर के साथ। तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इसमें लेना है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज ही कर देना, एरर में अपने आप हट जाएगा क्योंकि डेल्टा पाई क्या होता है? जीरो। तो इसमें लेना है पाई आर स्क्वायर, आर की करेक्ट वैल्यू और एच की करेक्ट वैल्यू, ये वॉल्यूम आएगा। लेकिन जब डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी में डेल्टा वी बाई वी, टू इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एच बाई एच, तो आपको ये चारों वैल्यूज गिवन है, यहां पुट करेंगे, वी की वैल्यू हमने निकाल ली, सॉल्व करके क्या आएगा? डेल्टा वी आएगा, दोनों वैल्यूज को वहां पुट करना है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक, सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे?
ये शीट अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव पे, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, और आपको देखना हो तो वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे प्रैक्टिस करोगे तो वो सब कैलकुलेशन चेक करनी हो, स्टेप भूल जाता है बंदा, तो एटलीस्ट वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करना है, आज नहीं करना हमने ये। नेक्स्ट, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अजीब सा फॉर्मूला है, होने दो। वैल्यू ऑफ पी आर वी एल आर मेजर्ड टू बी, ये वैल्यूज गिवन है, ये देखो लिख लिया मैंने पी आर वी एल, चारों वैल्यूज मैंने लिख ली जैसे गिवन। एक्यूरेसी चारों वैल्यू में गिवन है, एक्यूरेसी का मतलब डेल्टा पी डेल्टा आर डेल्टा वी डेल्टा एल भी लिख लिया, तो आठ वैल्यूज गिवन है। तो पी आर वी एल गिवन है, और साथ में इनके क्या गिवन है, एरर्स भी गिवन है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? क्या निकालना है? फाइंड परसेंटेज एरर इन ईटा। तो लगाओ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, डेल्टा ईटा बाय ईटा, पाई एट में एरर नहीं आएगा, डेल्टा पी बाय पी, टू इंटू डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा एल बाय एल, 100 से मल्टीप्लाई, पुट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा 116.12, जो भी आएगा वो निकाल लेगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या होगा? कोई डाउट इसमें? एनसीईआरटी मेंस, एनसीईआरटी में कंपटीशन लेवल में कोई अंतर नहीं है। आप मेंस का पेपर देखोगे बहुत इजी आता है, ऐसे आता है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली इजी कैटेगरी में हैं, और वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि बच्चा ना क्वालिफाई कर ले। उनमें से एक चैप्टर है, यूनिट से एक चैप्टर है, बाकी फिजिक्स तो काबू करनी बहुत मुश्किल है ना यार, कम से कम इनको तो करें। ठीक, किसमें इजी आता है? ये आखिरी चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स का, है ना? देखो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स कर रहे हैं, कैलकुलस यूनिट्स और ये एरर्स, आपको कोई फ्लेवर आ रहा है कहीं फिजिक्स का? किसी भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। जो आप पढ़ के आए हैं इसे बेटर पढ़ के आए हैं, वेलोसिटीज लेंस मिरर्स ये वो। अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से, तब चलेगी गाड़ी, पहाड़ पे जा रही है, एक्सलरेशन रिटार्डेशन कैसे होंगी, ग्राफ कैसे बनेंगे, प्रैक्टिकल फिजिक्स अगली बार स्टार्ट है। पहला लेक्चर मोशन का अगली बार स्टार्ट है। मोशन में बहुत इनपुट चाहिए, मोशन ऐसे देखो अपने अपने लेवल्स है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आप कितना एफर्ट करते हो उतना लेवल बना लोगे। मिनिमम लेवल एनसीईआरटी है जो हर किसी को बनाना बनाना है, मेंस के लेवल और कंपटीशन लेवल अपने ऊपर है। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, अपनी शीट के 100 100 क्वेश्चन दूंगा, वो करवाऊंगा, अभी ठीक लेवल है, 100 का मतलब ये नहीं, अच्छे लेवल है, आपका लेवल बना के दूंगा। आपको मन करेगा तो आपको बुक रिकमेंड करूंगा डी सी पांडे की, वो बुक आप सॉल्व करेंगे, नहीं होगा आपके साथ दिन में बैठूंगा, वो बुक सॉल्व करूंगा आपकी, जहां दिक्कत है आपको हेल्प करूंगा। अगर वो भी क्रॉस कर जाते हो तो मेंस के पेपर पी वाई क्यू जिसका लेवल उससे भी ऊपर है वो रिकमेंड करूंगा, वो भी दिन में बैठ के सॉल्व करवाऊंगा। मतलब आप अटकेंगे अटकेंगे उसमें, लेकिन मैं आपके सपोर्ट सिस्टम साथ रहूंगा। अब ये आपका इंटरेस्ट है, आप कितना दिखा पाते हो, राइट? कुछ लोग कहेंगे बस यार इतने में ही बहुत हो गया हमारा, तो कुछ कहेंगे नहीं ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो और ऊपर जाना है। आप पे डिपेंड करेगा, वो क्लासरूम के बाद चलेगा सारा, क्लास के अंदर एक कॉमन फॉर्मेट चल सकता है, तो जो लेवल बनने वाला काम है वो आप और मैं क्लास के बाहर। ठीक, तो दिन में तभी तो बैठते हैं,
आजकल लोग कम आ रहे हैं ना 12 से 2, अब मोशन में देखना हर कहेगा यार चला ही जाता हूँ, वहीं काम कर लेता हूँ बैठ के कम से कम डाउट सॉल्विंग तो हो ही जाएगी साथ साथ। चलो यहाँ तक क्लियर है, ये लास्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। आपने क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव शीट नंबर 7 दी है, इससे आसान है, बहुत बेसिक है, वन लाइनर टू लाइनर क्वेश्चन हैं, वो आपने ट्राई करनी है, जो नहीं होगा वो मैं करूंगा। आपको एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव शीट्स मिली हैं, 2 एंड 3 मिली हुई हैं, 2 एंड 3 ये भी मिली है होमवर्क, बहुत आसान है। आप ये ना सोचे बहुत काम दे दिया, कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव शीट 2 एंड 3 हार्डली 1 या 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी आपकी, शायद आधे घंटे में ना हो जाएगा आधी शीट। तो अगर मान लो 1.5 घंटे की दो शीट्स हैं और 1.5 घंटे की ये शीट है, तो ऑल्टरनेट डेज पे 3 घंटे का काम तो बनता है, मतलब 1.5 घंटा और 1.5 घंटा इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम तो नीचे गिर नहीं पाएंगे। तो ये आपने काम अगली बार करके लाना है, मैंने डाउट्स लेने हैं इसके, मेरी तरफ से एरर्स खत्म है, एक 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 क्वेश्चन के डाउट होंगे और फिर स्टार्ट होगा चैप्टर मोशन।